हेलो एवरीवन, माय नेम इज सागर पंड्या फ्रॉम तक्षशिला इंग्लिश स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के अकाउंट के सब्जेक्ट में हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसमें पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही शुरू होती है। ओके, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट या तो रिटन में होता है या तो ओरल में होता है, लेकिन ए रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नॉन एज अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के बीच में रिटन में जो एग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ए रिटन पार्टनरशिप डीड इज अ डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट इन फ्यूचर कैन बी ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। रिटन में जो एग्रीमेंट होता है वही डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल होता है, क्योंकि इन फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच कोई भी झगड़ा, कोई भी डिस्प्यूट और प्रॉब्लम हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, द पार्टनरशिप डीड इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट्स इंक्लूड होते हैं वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहला कंटेंट है डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। तो यहां पे पार्टनर्स के नाम, एड्रेस और उनसे रिलेटेड अदर डिटेल्स भी इंक्लूड होती है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है हमारा डिटेल्स ऑफ द फर्म। तो यहां पे फर्म का नाम और फर्म का एड्रेस मेंशन किया जाता है। अगर फर्म की कोई हेड ऑफिस है तो उनका एड्रेस भी ये पॉइंट में मेंशन किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ बिजनेस। इस पॉइंट में बिजनेस का टाइप क्या है उसके बारे में लिखा जाएगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है या ट्रेडिंग का बिजनेस हो सकता है, तो किस टाइप का बिजनेस है वो इस पॉइंट में लिखा जाएगा फ्रेंड्स। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि कब से शुरू हो रही है वो डेट लिखनी है कि हम लोग जो सारे पार्टनर्स है वो मिलके ये वाला बिजनेस ये तारीख से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है कैपिटल, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा वो पार्टनरशिप डीड में आपको लिख देना पड़ेगा, और सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल लाए ये कंपलसरी नहीं है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखना आप कि कैपिटल लाना हर पार्टनर्स के लिए कंपलसरी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सिक्स नंबर का पॉइंट है, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स की कैपिटल पे आप इंटरेस्ट दो, फॉर एग्जांपल 6% दो या 7% दो, तो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो कोई भी पार्टनर्स को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करेंगे, यानी कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉइंग्स, हर पार्टनर्स कितनी अमाउंट विथड्रॉ कर पाएगा वो सारा यहां पे लिख देंगे। ओके, उससे ज्यादा अमाउंट कोई भी पार्टनर्स विड्रॉ नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर आपको पार्टनरशिप डीड में दिया है कि ड्रॉइंग्स पे इतना परसेंटेज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो फर्म उनके पास से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कलेक्ट नहीं कर सकती फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेंड्स, फर्म का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो पार्टनरशिप डीड में दिया गया होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया है तो पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल के ए बी एंड सी पार्टनर्स है और फर्म का जो भी प्रॉफिट हुआ है, ओके,
और पार्टनरशिप डीड में ए बी एंड सी किस रेशियो में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया गया है तो ए बी एंड सी वो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी बोनस कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। यहां पे अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एक्टिव हो या तो फिर मैनेजमेंट में ज्यादा टाइम दे रहा है तो इन दैट केस पार्टनर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा। ओके, तो किस पार्टनर को एक्स्ट्रा अमाउंट में सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन देना है दैट विल बी ऑल्सो मेंशन इन दिस पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म। तो इस पॉइंट में कोई पार्टनर फर्म को एक्स्ट्रा मनी देता है इन टर्म्स ऑफ लोन तो इस लोन के ऊपर फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये रेट कौन सा रहेगा तो वो रेट के बारे में भी इस पॉइंट के अंदर मेंशन किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो आपको कंपलसरी 6% पर एनम इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुडविल। गुड एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो गुडविल का कैलकुलेशंस होगा वो किस मेथड से करना है वो हम पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर ऐड होता है हमारी पार्टनरशिप फर्म में और कोई रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है तो कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे उसके लिए, तो उसके बारे में इस पॉइंट में मेंशन किया जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो यहां पे कौन से सर्कमस्टेंसेस पे पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन का मतलब है कि सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस को बंद कर देना चाहते हैं तो कौन सी प्रोसीजर अप्लाई होंगे फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो यहां पे ये भी मेंशन किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पार्टनरशिप डीड। ओके फ्रेंड्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।